मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनी शारंग और धनुष तोपों ने दुनिया के आगे भारत की ताकत का डंका बजा दिया। इन तोपों को सेना में शामिल कर लिया गया है। सेना के बेड़े में शामिल होते ही शारंग तोप का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान शारंग तोप की मारक क्षमता और अचूक निशानेबाजी को देखकर बाकी देश भी इस तोप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धनुष से प्रभावित होकर BAI सिस्टम ने फील्ड गन फैक्ट्री को बैरल का ऑर्डर दिया है। आपको बता दे कि इसी कंपनी ने भारत को बोफोर्स तोप निर्यात की थी। आयुध निर्माण बोर्ड की आयुध निर्माणी कानपुर और फील्ड गन फैक्ट्री ने 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर की अप गनिंग शारंग तोप विकसित की है। 25 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में 300 तोप के लिए रक्षा मंत्रालय और आयुध निर्माणी बोर्ड के बीच करार हुआ। सोमवार को फील्ड गन फैक्ट्री में आयोजित प्रेस वार्ता में महाप्रबंधक शैलेंद्र नाथ ने बताया कि पहली तोप सेना के पास पहुंच चुकी है। सेना ने 17 जनवरी 2019 को बालासोर में परीक्षण के दौरान 20 गोले शारंग से दाबे। अचूक निशाना रहा, सभी गोले लक्ष्य के 10 मीटर दायरे में ही गिरे। इसका संदेश अन्य देशों तक भी पहुंचा है, जिसके बाद से ही अफ्रीकी देशों ने शारंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है, जिसे इशारा मिल चुका है कि भविष्य में बड़े निर्यात ऑर्डर बोर्ड को मिल सकते हैं। अपर महाप्रबंधक दिनेश सिंह ने बताया कि अगस्त 2016 में धनुष तोप सेना को समर्पित कर दी गई थी। उसकी गुणवत्ता ने भी अन्य देशों को प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि विदेशी कंपनी BAI सिस्टम की कई देशों में इकाइयां हैं। भारत ने इस कंपनी से बोफोर्स तोप आयात की थी। अब स्थिति ये आ चुकी है कि BAI सिस्टम कंपनी ने 52 कैलिबर की 4 बैरल का ऑर्डर फील्ड गन फैक्ट्री को दिया है। महाप्रबंधक ने बताया कि भारत अभी सेल्फ प्रोपेल्ड गन दक्षिण कोरिया से आयात कर रहा है। भारत में फिलहाल उसकी असेंबलिंग शुरू हुई है। फील्ड गन फैक्ट्री ने SP गन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अगली बार टेंडर होगा तो विदेशी कंपनियों को मात देकर स्वदेशी गन बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।